अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुंदेलखंड सिस्टर्स। और आज मैं बनाऊंगी मिल्क पाउडर के लड्डू। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर ले लीजिए, और साथ में मैंने लिया है 1 कप दूध, जो ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं, रूम टेम्परेचर का। और इसमें है थोड़ा सा घी, यानी कि खाने वाले चम्मच से 3 चम्मच घी। अब मैं इसमें निकाल लूंगी 1 गिलास अपना मिल्क पाउडर। अब जिस भी बर्तन में आपको बनाना है वो बर्तन ले लीजिए और उसमें डालिए 1/2 कप। मैं डाल ली हूँ 1 कप से अभी मिल्क, और ये रहा मेरे स्पून, तो इससे मैं लूँगी 4 स्पून 1/2 की चीनी, और ये हमारा 3 चम्मच घी। अच्छे से कटोरी से पूछ लीजिएगा अपने हाथों की मदद से और इसको मिक्स कर लीजिए। आप फिर से उस बचे हुए दूध को इसमें ऐड कर दीजिए। पहले आधा करिए, फिर मिक्स कर लीजिए, फिर से आधा करिए और फिर से मिक्स कर लीजिए। और अब मिल्क पाउडर ऐड करना है धीरे धीरे। तो अभी आप देखिए, अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं की है, और आप इसको मिक्स करिए। अब फिर से और ऐड करिए, धीरे धीरे ही आपको ऐड करना है, जिस हिसाब से आप इसमें मिक्स कर पाए। कोने का अच्छे से करके इसको मिक्स करते जाइए। आप कांटे की मदद से भी कर सकते हैं, या जिससे भी आपको करना है। फिर इसमें ऐड कर दीजिए, वो पूरा 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब कुछ इसमें। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके का स्मूथ होना चाहिए आपका पेस्ट। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सही एकदम टेक्सचर है। अब इसको चलेंगे गैस की तरफ, वो भी एकदम स्लो में। तो यहाँ मैंने फ्लेम स्लो कर दी है। अब हमें करना क्या है, इसको कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये एकदम बाइंड सा हो जाए। तो बस चलाते रहिए, पकाते रहिए, और बीच में अभी अप कर लीजिए गैस एक थोड़ा सा तेज, ताकि इसमें थोड़ा सा बुलबुले आने लगे। तो गैस मेरा स्लो हुआ और अब हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ा होना ये शुरू हो गया। बस इसी तरीके से हमें कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना। अब देखिए, ये और भी गाढ़ा हो गया है। गैस मेरी स्लो है और मैं कंटिन्यूसली इसको चला रही हूँ, और ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी ज़्यादा मिनट नहीं हुआ होगा मुझे, 10 या 15 मिनट ही हुआ है। बस इस तरीके से चलाते रहिए और स्लो में ही ये सारा प्रोसेस करिएगा। स्टार्टिंग में जब लगे कि नहीं बहुत स्लो हो रहा है, तो एक बार घर तेज करिए, फिर स्लो कर लीजिए। तो 15 मिनट्स में ही ये कुछ इतना गाढ़ा हो गया है, और बीच में 1 या 2 बार गैस आप तेज करिए बस। अभी इसको और गाढ़ा होने देते हैं। तो अब आप देखिए, ये इसने पूरा हमारे बर्तन को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको थोड़ा देर और चलाइए, इस तरीके से निकाल लीजिए और चलाते जाइए। आपके पास इस तरीके का ना हो अंडा फेंकने वाला बीटर चलाने के लिए, तो आप किसी भी स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कर सकते हैं कांटे का इस्तेमाल। थोड़ी देर और, थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए। तो अब आप देखिए, डो हो गया कुछ इतना गाढ़ा। अब बस 1 या 2 मिनट और, फिर हम इस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आधे में मैं बनाऊंगी ऑरेंज फूड कलर। तो ये है वो फूड कलर, ये रेड, मतलब कि ऑरेंज रेड होता है ये। इसको मिला लिया है मैंने पानी में। अगर आपके पास लिक्विड है तो वो भी ले लीजिए, ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं तो ले लीजिए। अब मैं इसमें से 1/2 डो को निकाल लूंगी। थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि 1 में ज़्यादा 1 में कम, इतना। और जो बचा हुआ उसमें मिला दीजिए कलर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करिए। अब आपको करना क्या है, इसको गैस से उतार देना है और इससे निकाल लेना है अच्छे से। तो ये सारा मैंने निकाल लिया, फिर से इसको रखेंगे गैस पे स्लो आंच पे। बस अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको रखिए। पूरे से अच्छे से देखिए, पोंछ लीजिए इसमें आप पूरा आसपास, जो भी लगा हो, लगा नहीं है वैसे। और बस इसको ठंडा होने दीजिए, फिर हम इन्हें लड्डुओं का शेप देंगे। आप अपने प्यारे प्यारे हाथों में लगा लीजिए थोड़ा सा घी, और बस इनकी बॉल बना लीजिए। एक थोड़ी सी छोटी बॉल बनाइए पहले, बिना कलर वाले की। फिर जो ये बड़े वाले हैं,
इसकी बनाइए पेड़े जैसी, यानी कि जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं ना वैसे, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा गड्ढा करिए, इसमें करिए बंद, और इस तरीके से पैक कर दीजिए, जैसे हम पराठे वगैरह बनाते हैं ना भर कर। बस इन्हें लड्डुओं का शेप दे दीजिए। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे। अब हमें क्या करना है ना, वो किनाना लेने जाए जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया ना, ऑप्शनल है, अगर आपने बना लिया है, और नहीं बनाया तो प्लीज़ जल्दी बनाइए, बस इसमें डिप कर देना है। तो जो भी कुछ करी का बुरादा होगा या खसखस होगा वह उसमें लग जाएगा और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मैंने सब में लगा लिया, दो में मैंने नहीं लगाया ताकि मैं दिखा पाऊँ कि बिना लगे हुए भी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको ये मिठाई बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, और आखिर तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, अल्लाह हाफिज़।